नाइन्थ ज्योग्राफी बुक। बट वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बागर एंड कालर। इसको एक सिंपल ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, एक्चुअल में बागर क्या होता है, खादर क्या होता है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या किस तरह से इसको डिफाइन किया जा गया है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे सपोज दैट व्हेनेवर यू वांट टू कम स्कूल बाय द रोड और यू हैव टू वेट योर फॉर्म बाय द रोड, व्हेनेवर यू आर गोइंग और कमिंग विद द बस ऑन रोड, सो यू कैन सी द डिफरेंट कंडीशन अलोंग साइड ऑफ रोड्स। वन साइड ऑल द फील्ड एरिया आर अबो द रोड और सेकंड साइड ऑल द फील्ड एरिया बिलो द रोड। मींस कहने का मतलब ये हो गया, जब आप घर पे स्कूल आ रहे हो, स्कूल से जब घर जा रहे हो, जिस भी व्हीकल्स में आप बैठ के आ रहे हो, तो वहां से आपने कई बार आपने ये चीज नोटिस की होगी, जिस रोड से आप जा रहे हो उस रोड पे कई बार जो फार्म एरिया है, फील्ड एरिया है, वो आपको ऐसा लगा कि वो कुछ रोड से उठे हुए हैं। और कई बार आपको ये भी लगा होगा कि जो रोड से, जिस रोड से आप जा रहे हो उस रोड पे जो भी फार्म एरिया है वो रोड से बिलो डाउन है या रोड से नीचे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए, यहाँ पे इस खेत में जाने के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा, इस खेत में जाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आप इसको, मैंने जो यहाँ पे रोड लिखा था, इस रोड को मैंने काट दिया, इसको रोड को काट दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिवर। क्या लिख दिया मैंने इसकी जगह पे? रिवर। अब मैंने यहाँ पे जब रिवर लिखा तो अब रिवर है, दैट इज द वे ऑफ रिवर, रिवर फ्लो इन दिस वे एंड सेम कंडीशन इज देयर, दैट इज द अबो फार्म एरिया एंड दैट इज द बिलो फार्म एरिया फॉर्म द वे ऑफ रिवर अलोंग साइड। कंडीशन इज टोटली डिफरेंट इन दिस कंडीशन। यू नो वेरी वेल वन कंडीशन or one quality of the water, when the water has flow in their roots, then it will be blow down from the downward, never be reach in upper side. So same condition it's happen in this diagram, कि जब यहाँ पे पानी आया और पानी आ रहा है तो पानी तो अपने रास्ते से जा रहा है। सपोज दैट कभी कंडीशन ये ऐसी होगी, फ्लड आ गया, या ये पानी इसका, जो पानी इसमें जो आ रहा है, इसका जो फ्लो है वो थोड़ा तेज हो गया, तो तेज होने की कंडीशन में क्या होगा, हमेशा पानी उधर जाएगा जहाँ पे स्लोप हो या जहां पे बिलो डाउन हो। तो यहाँ पे मैंने भी बताया ये ब्लो डाउन हो गया, ये अपर डाउन, अपर लिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पानी आया, तो पानी आने के बाद यहाँ पे मतलब ये पानी जा रहा है, ज्यादा प्रेशर में आ गया तो ये पानी नीचे निकल गया, क्योंकि ये पानी गहराई में था, ये मतलब ये पानी गहराई की ओर गया, ये वाला जो एरिया है इस नदी से थोड़ा सा गहरा है या थोड़ा सा अच्छे से उसके फ्लैट में है या पानी का लेवल वहां पे अच्छे से पहुंच जाए, ये वाला जो एरिया है वहां पे पानी का लेवल नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो फॉल्ट सोई लगी, क्योंकि यहाँ पे पानी का डिपोजिशन नहीं हुआ, तो सिल्ट वगैरह डिपोजिट नहीं हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ओल्ड एलुवियल सोइल। और यहाँ पे जब पानी पहुंचा, पानी डिपोजिट हुआ, डिपोजिट होने के बाद यहाँ पे नई सोइल आ गई, उसको बोलते हैं हम न्यू एलुवियल सोइल। इसको लिख लिया आप कंप्लीट वे में। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पानी आया तो इसमें भर गया, इस खेत में, खेत में भरने के बाद जब पानी यहाँ पे डिपोजिट हुआ, सॉरी स्टोर होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे अब्जोर्ब हुआ, तो अब्जोर्ब होने के बाद क्या बचा, यहाँ पे अब्जोर्ब होने के बाद में बचा है आपको नई सोइल, यहाँ पे डिपोजिट हो गई, तो नई सोइल पे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू एलुवियल सोइल। यहाँ पे पानी पहुंचा नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पे ड्राइवर पुरानी सोइल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओल्ड एलुवियल सोइल। अब इसी को कनेक्ट करते हैं आप इससे, ओल्ड एलुवियल सोइल होगी बागर से और न्यू एलुवियल सोइल होगी आपकी खादर से। तो ये वाला डायग्राम आप अच्छे से बना लेना और इसके जो कंटेंट, जो इसके क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप इसको रिलेट कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।